Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 19 दिसंबर 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल के पास ट्रेड कर रही है, फर्स्ट टाइम इस लेवल के पास निफ्टी आया है, तो अनचार्टेड टेरिटरी है। कहाँ पर सपोर्ट हो सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 18 दिसंबर आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का अगर आपको वीडियो देखना है तो उसकी लिंक या आई बटन में ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,183 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,139। ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, और जैसे ही नीचे जाके फिर से एक बार इसने ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया तो हमारा 12,200 का लेवल और सेकेंड टारगेट 12,215 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया और लास्ट के हाफ एन आवर में इसको भी इसने ब्रेक कर दिया और जस्ट इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में हल्की सी बढ़त देखने को मिली, मिला जुला कारोबार देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लंदन मार्केट में सिर्फ हल्की सी तेजी दिखाई दी, हालांकि फ्रांस और जर्मन मार्केट में गिरावट के साथ ये दोनों मार्केट कल बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 32 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट, जापानीज मार्केट और हांगकांग मार्केट में भी इस समय निगेटिवनेस देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 21 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी तो मिले जुले संकेत आ रहे, थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, इसने ये जो रेंज बनाया था लास्ट 6 वीक से, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा था। ये जो रेंज था, इस रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा था और इसका अभी ब्रेकआउट मिला है और अभी ये अनचार्टेड टेरिटरी में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हम ये यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अभी ये जो लास्ट स्विंग हाई लो मिला था तो ये यहाँ पर मिला था, अभी नेक्स्ट स्विंग हाई लो हमें इस लेवल के पास मिल रहा है। अगर मैं लाइन चार्ट में इसे कन्वर्ट कर दूं तो आपको पता चलेगा ये स्विंग हाई लो था जिसको हमने पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। अभी फिर से यहाँ पर एक क्लियर स्विंग हाई लो बना है, तो अगर हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करें स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, ये लो, ये हाई और ये लो, तो आप देख सकते हैं इसने 38.2% का ये जो लेवल है कल इसने ऑलमोस्ट ये अचीव किया था। कल का जो हाई था 12,237 का था और ये जो लेवल है 12,240 के पास है। तो अगर इसके ऊपर आज भी अगर 15 या आधे घंटे के चार्ट में अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर तो हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50% का होगा, जो कि अराउंड 12,366 के पास है। जो लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के हमने ड्रॉ किया था उसका 123.6 का लेवल भी उसी लेवल के पास आ रहा है। तो 12,350 कर देते राउंड फिगर, ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स का टारगेट हो सकता है। अगर ये हर एक नए हाई के ऊपर अगर फर्स्ट या 15 या आधे घंटे के चार्ट में अगर सस्टेन करता है तो ऊपर के लेवल्स हमें ये 12,350 तक दिखाई दे सकते हैं। तो एक्सट्रीमली बुलिश चार्ट है ये, तो हर एक ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो लॉन्ग जाते वक्त धीरे धीरे प्रॉफिट भी बुक करना होगा हमें, तो यहाँ पर काफी एक्सट्रीम बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलते हैं डेली चार्ट में, यह निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट। अभी यहाँ पर जो कल का ये जो कैंडल बना है ये सेम कुछ थोड़ा सा हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न जैसा लग रहा है। ये यहाँ पर सेम ऐसा कैंडल यहाँ पर कुछ दिनों पहले फॉर्म हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं ये कैसे करेक्शन यहाँ पर दिखाया था, सेम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न था। यहाँ पर नीचे आरएसआई में हमने कल देखा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, कल ड्रॉ करके भी यहाँ पर दिखाया था। तो ऊपर अभी हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर फिर से अगर यहाँ पर एक ऐसा
बियरिश कैंडलस्टिक बनता है और इसका लो अगर ब्रेक होता है तो एक करेक्शन यहाँ से फिर से हमें, जैसा कि यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले हमें देखने को मिला था, सेम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका हायर हाई बनता है तो ही अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिलता है। अगर ये यहाँ पर बियरिश कैंडल बनाता है और इसका लो कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो एक करेक्शन यहाँ से मूव हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डेली चार्ट में अभी फिलहाल ये अनचार्टेड टेरिटरी में है निफ्टी इंडेक्स, तो ऊपरी लेवल्स पे ओवरनाइट पोजीशन बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर हायर हाई को ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये टू आर्ली चार्ट है, अभी हमने वीकली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। अभी इंट्राडे टाइम फ्रेम में जो लास्ट स्विंग लो हमें बन रहा है, स्विंग हाई लो, उसको पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कल इसने एग्जैक्ट 61.8% का 12,233 का लेवल भी इसने कल ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। फर्स्ट जब ये ओपन हुआ गैप अप ओपन तो यहाँ पर एग्जैक्ट 50% के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो काफी ये जो स्विंग हाई लो हमने पकड़ा ये काफी एक्यूरेट साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 76.4 का होगा, उसके बाद 100% का होगा। तो 76.4% का लेवल 12,277 के पास आ रहा है। तो आज के लिए इंट्राडे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं। अगर ये कल का हाई यानी 12,238 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 12,251 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। तो सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R2 का लेवल, काफ़ी लंबा है 12,282, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, काफ़ी लंबा टारगेट है ये सेकेंड टारगेट। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया था, बाद में देखिए इस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं हुआ, ऊपर की तरफ ही ये मूव हुआ। तो 12,198 को अगर ये ब्रेक करता है टूअर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा 12,185 का, ये फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा जहां से ये टर्न हुआ था फिर से एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ 12,167, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। सो हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।